कि मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि हाँ अच्छा तुमको मैंने देखा तुम्हारा स्टोरी इंस्टाग्राम पे, कल तो तुम पार्टी कर रहे थे, तुमको पार्टी के लिए टाइम है लेकिन रियाज के लिए टाइम, ये पर्सनल जुमला कसने की कोई ज़रूरत नहीं। द पर्सन मेड अ चॉइस, आई कैन मेक अ चॉइस। मैं कह सकता हूँ कि यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, आपने नहीं रियाज किया है, मैं आगे का नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इस पर आधारित है आगे की चीज़ें, ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं सिखाऊंगा। Hi, this is Shruti Porwal and you're watching Dua Creates. Please do like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. दादा आपने कुछ देर पहले बताया कि कैसे संगीत आपकी लाइफ में आया और आपने गुरु को चुना, तो आज की हमारी जनरेशन का भी ये सवाल है कि गुरु चुनते हुए मतलब कैसे चुने? पहले तो कहूँगा बड़ा अच्छा सवाल है। दूसरा तो ये कहूँगा कि इसके दो तीन जवाब हैं। कुछ जवाब शायद अप्रिय हो लेकिन सत्य है। तो गुरु से पहले आप एक अच्छा टीचर ढूंढें। इसमें क्या फ़र्क है कि सबसे पहले ये बात मैं थोड़ा सा खुल के बताना चाह रहा हूँ, हिचकिचा भी रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावना को समझिए कि गुरु एक भावना है। गुरु कोई रोल नहीं है, गुरु कोई पदवी नहीं है, गुरु एक भावना है और ये भावना शिष्य के मन में जन्म लेती है किसी व्यक्ति के प्रति। मैं अपने आप को किसी का गुरु नहीं बता सकता हूँ या बोल नहीं सकता हूँ, डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ कि मैं अब आपका गुरु हूँ। मैं आपका टीचर ही रहूँगा, मैं आपका शिक्षक ही रहूँगा। अगर गुरु मैं बन जाऊँ तो वो शिष्य के मन में उस भावना का जन्म होने से ही होगा, ठीक है। लेकिन आजकल एक बड़ा नाम या जो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने आप डिफ़ॉल्ट से गुरु बन जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति के पास तीन चार चीज़ें ना हो, सबसे पहली चीज़ सिखाने की इच्छा, सिखाने का समय, आपसे भावनात्मक तौर पे जुड़ने की क्षमता, और सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं ये जो सीखना सिखाना है ये इसका उत्तरदायित्व दोनों पर बराबर है, इस बात की समझ। विश्लेषण मैं करके बता सकता हूँ कि अगर मुझसे सीखने वाली व्यक्ति मान लीजिए कुछ समय पश्चात भी वो चीज़ कर दिखाने में असमर्थ है, तो ये असमर्थता दोनों की है। एक ठीक है, हम ज़रूर ये कहते हैं कि शिष्य ने रियाज नहीं किया, शिष्य ध्यान नहीं दे रहा है, शिष्य भटक रहा है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, शायद सच भी हो, लेकिन ये तो आधी बात होगी। बाकी आधी बात यह है कि क्या मैं ठीक से समझा पाया, क्या मैं मेरे जो दिमाग में तस्वीर है वही तस्वीर उनके दिमाग में मैं लगा पाया या नहीं पाया। आप हमारे पुराणों की वजह से कह लीजिए या दंत कथाओं की वजह से कह लीजिए, लेकिन ये गुरु का स्थान इतना ऊपर रख दिया है कि वो अनटचेबल हो गया। इसलिए गुरु से सवाल मत करो, ये बात गलत है। गुरु से सवाल मत करो, नहीं, गुरु पर संदेह मत करो।
यानी गुरु ने बताई हुई चीज को क्वेश्चन मत करो लाइक द अथॉरिटी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप गुरु से सवाल नहीं कर सकते। आप जरूर पूछिए कि गुरु जी यह पलटा आपने हमें दिया है, इससे क्या हासिल होना जरूरी है, और कोई अच्छा सिखाने वाला ये बताएगा, क्योंकि ये जरूरी है, वरना वो प्रैक्टिस वो रियाज कैसे मुकम्मल होगा। अगर आप जानते ही नहीं है कि आप ये या इस चीज का रियाज क्यों कर रहे हो, किस चीज में इजाफा करने के लिए कर रहे हो, किस चीज की चमक बढ़ाने के लिए कर रहे हो, किस चीज में किस चीज को हासिल करने का ये स्टेपिंग स्टोन है, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस करने वाला आधे मन से प्रैक्टिस नहीं करेगा क्या? उसको पता ही नहीं है कि क्यों हम कर रहे हैं, बस चल रहा है सारे घर एगमा गमा पमा पद, ना उसका दिल उसमें है ना दिमाग उसमें है, बस एक लय में बस चल रहा है, ठीक है हाथ की तैयारी हो रही है, लेकिन हाथ की ये क्यों क्यों तैयारी और क्या तैयारी हो रही है? तो ये बात है, ठीक है ना। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि गुरु पे आप संदेह मत लीजिए। खैर ये थोड़ी अलग या नेक्स्ट स्टेजेस है, इस पर मैं वापस एक बार मुड़ के आऊँगा। सबसे पहले आपने पूछा चयन किस तरीके से करना चाहिए गुरु का, तो जैसा मैं कह रहा था कि उनके पास समय हो, उनके पास आपके साथ आपके लेवल पे जुड़ने की मानसिक तैयारी होनी चाहिए, और जो कि मेरे ख्याल से जिसे हम कहते हैं आजकल ईगो ज़्यादा ना रखे। ये थोड़ा समझने में और इसको परखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए उनके बाकी शिष्य क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितने सालों में क्या हासिल किया, आप देख सकते हैं उनका आप उनके दूसरे शिष्यों के प्रति बर्ताव किस तरीके से है, क्या वो प्यार भरा रिश्ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कंधे में हाथ डाल के शिष्यों के साथ घूमें या ऐसे करें, हालांकि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि क्या उनमें एक प्यार है, एक लगाव है, क्योंकि ये गुरु या टीचर जो भी है, ये आपकी आने वाली ज़िंदगी डिफाइन करने वाला है, ये आपको डिफाइन करेगा, आपके आर्ट को डिफाइन करेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का एक वातावरण है उनके शिष्यों के प्रति, उनके शिष्य अपने गुरु के बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। इसको आजकल तो ये बड़ा आसान हो गया है सोशल मीडिया की वजह से कि आप ज़रूर जान सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि किसी आप देखिए बहुत महान कलाकार है जिनके सामने आप नतमस्तक हो, लेकिन क्या उन्हें मैं अपना गुरु बनाना चाहूँगा, ये अलग सवाल है, ये दूजा सवाल, क्योंकि ये रिश्ता बहुत नाजुक है, पवित्र तो है ही, और ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ये आई थिंक अगर मैं ज़्यादा अनुचित बातें नहीं करूँ तो ये दोनों पार्टीज़ ने समझना ज़रूरी है कि ये उस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, और बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप देखिए कि प्रगति किस तरीके से हो रही है। गुरु शिष्य पर के नाते में काफ़ी मुश्किल दौर आते हैं, कभी कभी गलती गुरु की होती है, कभी कभी शिष्य की होती है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जिसको हम कहेंगे जवाबदारी जो है वो ज़्यादा जानने वाले की है, क्योंकि जो नहीं जानता उससे गलती होना लाजमी है क्योंकि वो नहीं जानता, लेकिन जो जानता है शायद उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और मैं सबसे ज़्यादा इसके बारे में ये बड़ा मुझे कभी कभी तो हंसी आती है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अपने शिष्यों से ही प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं कि हमेशा
उनके सामने एक महान बनने रहने का या क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव फिगर बने रहने की एक जिद सी है, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो वो यानी जो आदर भी है वो एक भय के स्वरूप जन्म लेता है। मुझे लगता है आदर प्रेम युक्त होना चाहिए, यानी एक प्रेम है और आदर भी है, और वो इसलिए भी है कि हम मानते हैं कि आप महान हैं। इसको आपको हमेशा हम पर वाजे करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा उस बात को हावी रखने की ज़रूरत नहीं, वो है, वरना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैंने जब कहा कि मैं मेरे शिष्यों के बारे में बात कर रहा था, ये बहुत ही संवेदनशीलता पर और भावनात्मक चीज़ है सीखना सिखाना। तो इसमें दोनों लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को खोल के सामने रखना चाहिए, तब इसका आदान प्रदान अच्छे से होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु स्ट्रिक्ट ना हो, ज़रूर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन उस स्ट्रिक्टनेस में आप, जिसे मैं कहूँगा कि एक दर्जा रखिए, आप शिष्य को डांटिए, उन पे ताने मत कसिए। ये जो जुमलेबाजी है या तानेबाजी है ये सही नहीं है। आप सीधे सीधे कहिए जो आपको कहना है, आपका हक है, आप गुरु हैं, आपका हक है, आप कहिए। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो आप कहिए कि ठीक है ये आपने किया मुझे पसंद नहीं आया, ये सीधे बताइए ना। आप ये कड़वाहट रख के उसको अलग तरीके से बाहर किसी आपके वर्तन या आपके जुमले आपके ताने में से दिखाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी, चार लोगों के सामने उनको बुरा भला कहेंगे आप। तो इसमें आपको जो गुरु है इन्हें सच में सोचना चाहिए कि ये आप उस शिष्य की वृद्धि के लिए कर रहे हैं या क्योंकि आपको बुरा लग रहा है आप बदला ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग संगीत सीखना छोड़ देते हैं, रियाज करना छोड़ देते हैं। एक उन्हें मैं घिन तो नहीं कहूँगा लेकिन एक नौशिया सा हो जाता है उस पूरे एक्सपीरियंस का कि नहीं करना है हमें और बस हो गया। तो ये ये थोड़ा कटु सत्य है और ज़माना बदल रहा है, गुरुओं को भी ये पता होना चाहिए। आपका शिष्य या आपकी शिष्या उनके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल टाइम में, उनके सोशल मीडिया पे क्या करते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक का लड़कपन होता है, हर एक अपनी गलती से सीखता है। हाँ ये बात ज़रूर है कि शायद गुरुओं के जो गुरु रहे हैं वो और भी ज़्यादा सख्त रहे होंगे, उनके अनुभव और भी कड़वे रहे होंगे, लेकिन उसी चीज़ का अनुकरण करते हुए हमें सिखाना है ऐसी कोई शर्त तो नहीं है। आप बदलाव ला सकते हो, आप बदलाव बन सकते हो, और ये बदलाव इतना मुश्किल नहीं है। आप आपकी निजी ज़िंदगी की जो भी नाकामियाँ हैं, फ्रस्ट्रेशंस है, मान लीजिए आपको शायद वो मकाम हासिल नहीं हुआ आपकी क्षमता के होते हुए भी, लेकिन इस बात को आप अपने शिष्यों पे ना उतारे, वो संगीत का आदान प्रदान ही रहे और वही तक सीमित रहे। इससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मैंने खुद ही कहा कि भावनाओं को पूरी तरह से खोल के रखना चाहिए, लेकिन उस भावना का पूर्णतः खुद से अगर आपने स्वीकार किया है तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें दोषी कोई नहीं, दोषी हालात है, आपकी किस्मत है या कुछ और है, लेकिन उसमें शिष्य तो कतई दोषी नहीं। तो जो आपको बाहर सम्मान शायद आपको लगता है कि कम मिल रहा है, उसकी जो भरपाई है वो आप आपके शिष्य परिवार से ना करवाए,
इस तरीके का मैं एक सभी से निवेदन करूंगा, और मैं बड़ा छोटा हूँ इस मामले में, इसलिए निवेदन ही करूंगा कि आप सिखाइए पूरे दिल से, तन्मयता से, अच्छे से सिखाइए और उस वातावरण को खुश रखिए। मेरे ख्याल से खुश रखना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप एक दो नियमों का उल्लंघन कर दें तो आप सीधे सीधे बताइए, उसमें कटुता नहीं आनी चाहिए। वो क्योंकि कटुता एक बार आ गई तो वो आ गई। जैसे मैंने कहा कि गुरु ये संकल्पना शिष्य के मन में जन्म लेती है, उसी तरीके से अगर उस मन में कटुता घुल गई तो उस नाते को ख़त्म होना कर ख़त्म भी शिष्य ही करेगा, और होता है। क्या पता नहीं अगर आपके सवाल का पूर्णतः जवाब मैं दे पाया हूँ या नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप गुरु चुनिए। एक उनके जो चाम है, उनका पनाश है, उस सब से ब्लाइंड होकर बस चले गए और पैरों में पड़ गए, बस यही है, तो इस तरीके से नहीं। आप उनके कला को नमन कीजिए। अगर अगर कला है और वो इतनी श्रेष्ठ है कि बस मुझे यही कला आत्मसात करनी है और इन्हीं से करनी है, तब भाई आपको कोई चॉइस नहीं है। वो भले ही अच्छे टीचर हो ना हो, अच्छे व्यक्ति हो ना हो, आपको वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने कला को नमन किया है। फिर भी मैं कहूँगा 3 साल बाद चेक करिए कि वो कला आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, और अगर नहीं पहुँच रही है तो या तो आप एकलव्य बन जाइए और दूर से उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए, या फिर आपको गुरु बदलने की ज़रूरत है। ये मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियाँ पिस गई इसमें। ज़रूर आएगी, है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरे खुद के गुरु पंडित तेजेंद्र नारायण मजुमदार जी है, वो यानी आई वुड से इन इंग्लिश ही बेंड्स बैकवर्ड्स टू टीच अस, एंड बहुत ही सरल व्यक्ति, और उन्होंने कभी भी उनकी जो ज़िंदगी है उसमें जो भी तनाव है, उस तनाव को हम तक नहीं आने दिया। जब उनके हाथ में साज आ जाता है और हम साज लेके बैठते हैं, तो वो साज राग बस वही होते हैं, और किसी चीज़ की उन्होंने हमको कभी तकलीफ़ नहीं होने दी, और कभी भी इस तरीके से जो मैं जुमलाबाजी या तानेबाजी कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, जो भी उनका है वो उन्होंने साफ दिल से साफ कहा, और इस बात की मैं बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ। मेरे दूसरे गुरु जी पंडित राजीव तारानाथ जी हैं, वो भी इसी तरीके के व्यक्ति है कि बिल्कुल सीधा बोलेंगे, जो है वो कह देंगे कि भाई ये नहीं हुआ है ठीक, इस पे रियाज करो, ये होना चाहिए, ऐसा तानेबाजी नहीं है। बिल्कुल बहुत कड़ा डांटते हैं, पहले निकल जाओ, नहीं तुमने रियाज नहीं किया। लेकिन और मेरे अहमदाबाद के गुरु भी है सोहन नीलकंठ जी, वो भी बहुत सरल व्यक्ति, टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अंत में हमें ये पता चलता है कि गुरुजी वो अनुपम जोशी पे नाराज़ नहीं है, वो उसकी रियाज पे नाराज़, क्योंकि उसके बाद कभी ऐसा नहीं, जब तालीम ख़त्म हो जाए उसके बाद मेरे हर एक गुरु सबसे पहले चेक करेंगे कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, आप मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे सब ठीक है नहीं है, ये सब करेंगे। तो आप देखिए, वो कटुता नहीं है। उन्होंने डांटा सेशन में, ज़रूर डांटा, बहुत डांटा होगा। अगर 2 घंटे की तालीम है तो शायद आखिर का आधा घंटा डांटने में निकल गया, लेकिन कटुता नहीं है। तो डांटा क्यों, इस बात की क्लैरिटी पहले से रही, इसीलिए मैं बहुत ही खुश किस्मत हूँ, और शायद मैं भी जो ये फॉलो कर रहा हूँ ये इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ कि मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि हाँ अच्छा तुमको मैंने देखा तुम्हारा स्टोरी इंस्टाग्राम पे, कल तो तुम पार्टी कर रहे थे, तुमको पार्टी के लिए टाइम है लेकिन रियाज के लिए टाइम, ये पर्सनल जुमला कसने की कोई ज़रूरत नहीं। द पर्सन मेड अ चॉइस, आई कैन मेक अ चॉइस, मैं कह सकता हूँ कि यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, आपने नहीं रियाज किया है, मैं आगे का नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इस पर आधारित है आगे की चीज़ें, ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं सिखाऊंगा,
इसलिए नहीं क्योंकि आपने कल पार्टी की है इसका मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, कि आपकी स्थाई जो है वो स्थाई ठीक नहीं है अभी, तो मैं अंतरा नहीं सिखाऊंगा। तो या तो आप तालीम में मत आइए, रियाज कीजिए, अगले हफ्ते मिलते हैं, या आप यहाँ बैठ के स्थाई कीजिए, मैं आपके सामने नहीं बैठूंगा, मैं अपना अपना काम करूंगा ताकि आप पे कोई इस तरीके की बंदिश ना हो, या फिर यानी वो क्रिमिनल ट्रीटमेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, चलो नहीं हुआ रियाज, नहीं किया जी। तो उनका चॉइस है। हाँ, ये बात है कि मैं ये बता देता हूँ कि आप पहले ही मुझे फ़ोन पे बता दे कि नहीं हुआ है रियाज, ताकि आपका यहाँ आना बच जाए, मेरा वो समय बच जाए या जो भी है। तो इतना फ्रैंक और प्रैक्टिकल रहना मेरे ख्याल से आजकल काफ़ी संभव है।